नमस्कार, स्वागत है आपका बिजनेस टुडे पे। मैं हूं सिद्धार्थ जराबी और मेरे साथ यहां इंडिया टुडे बिजनेस टुडे के स्टूडियोज दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बने हुए हैं श्री दिनेश कुमार खारा। चेयरमैन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत की सबसे बड़ी फाइनेंशियल कंपनी और एक ऐसा ब्रांड जिसे हर भारतीय की जीवन में कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ लगाव है। दिनेश जी, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। बारिश हो रही है, थोड़ी ठंड हुई है, कल धूप थी। जहां तक भारत की अर्थव्यवस्था की बात करूं, और आपसे यहां बहुत लोग मिल रहे होंगे, पहले थोड़ी घर की बात कर लें। महंगाई और महंगाई के साथ अब इंटरेस्ट रेट भी महंगा होना शुरू हो रही है, तो ये क्या खेल हो रहा है दिनेश जी, समझाएं हमारे दर्शक को। देखिए, ऐसा है कि जहां तक महंगाई का सवाल है, महंगाई तो पूरे विश्वभर में जो है इन्फ्लेशन का दौर है अभी, और उसके चलते भारत भी एक तरह से वर्ल्ड कम्युनिटी का एक हिस्सा बन चुका है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी काफी हद तक इंटीग्रेट हो गई है विद द वर्ल्ड। मेन मुद्दा जो है इन्फ्लेशन का, वो दो कारण है। एक तो जो है पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस का इंक्रीज होना, और दूसरा जो है एडिबल ऑयल में प्राइस का इंक्रीज होना। अब उसमें अगर देखें, हमारा भारतवर्ष में 85% का इम्पोर्ट जो है क्रूड ऑयल का 85% इम्पोर्ट होता है, उसके चलते फिर भी मैं ये कहूंगा कि भारतवर्ष में भारत सरकार द्वारा जो अभी हाल फिलहाल कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, जिनमें कि टैक्स को कम करने का एक डिसीजन लिया गया है, उसके माध्यम से जो एक कॉमन मैन को जो एक इसका इन्फ्लेशन हिट करता है, उसको एड्रेस करने की कोशिश की गई है। मीडियम टर्म में कुछ ऐसे एफर्ट्स किए जा रहे हैं, जिसमें कि जो है एक कोशिश ये भी है कि रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देकर जो हमारे देश की डिपेंडेंस है ऑन क्रूड ऑयल, उसको कम किया जाए। सिमिलरली जो इस तरह के और जो विकल्प हैं, उन सब के ऊपर अच्छी तरह से ध्यान दिया जा रहा है। उसके चलते मेरे को आशा है कि आने वाले दिनों में हमारा डिपेंडेंस इंपोर्टेड क्रूड ऑयल पर कम हो पाएगा। चेयरमैन साहब, आप जब ये कह रहे हैं कि डिपेंडेंस कम होगा, अब मैं सही हूंगा ये कहने में कि ये सारे मीडियम टर्म के चीजें हैं? एकदम से महंगाई जाने नहीं वाली, और उतनी देर में आप मेरे लोन को महंगा करने वाले, फिक्स डिपॉजिट की रेट नहीं बढ़ा रहे हैं, मतलब दिक्कत हर तरफ से दे रखी है आपने। नहीं, ऐसा है कि उससे पहले कि आप मैं इस सवाल का जवाब दूं आपको, दूसरा कारण एडिबल ऑयल है। एडिबल ऑयल में आपने देखा होगा कि एक तो खाने का तेल छोड़ दें, वैसे भी हार्ट के लिए ठीक नहीं है। खाने का तेल छोड़ने की कोशिश होनी चाहिए, लेकिन छोड़ा नहीं जाता है, तो इसलिए जो है उसके ऊपर भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी जो है इंडोनेशिया और मलेशिया में जो एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस थी, वो रिमूव होने के बाद और हाल फिलहाल अभी फिर से इनके ऊपर भी जो टैक्सेस हैं वो भी कम किए जा रहे हैं, तो उसके चलते थोड़ा जो CPI में इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आता है, जो एडिबल ऑयल का इम्पैक्ट आता है, वो भी काफ़ी हद तक एड्रेस होने की आशा है। दूसरा, आपने कहा कि इंटरेस्ट रेट का जो सवाल है, इंटरेस्ट रेट मैं मानता हूं कि इंटरेस्ट रेट देखने में लग रहा है कि बढ़ गया है, लेकिन अगर आप इसको इस संदर्भ में देखेंगे कि आपका जो सैलरी इंक्रीज हो रहा है वो तकरीबन 9-10% का सैलरी इंक्रीज कॉर्पोरेट सेक्टर में होने की बात हो रही है, बट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में छोटी कंपनी में कहां बढ़ रहा है? लेकिन 20 लाख का 30 लाख का घर, अफोर्डेबल हाउसिंग, एक भी इश्तिहार नहीं आता। चेयरमैन साहब, आप तो सबको फाइनेंस करते हैं, ये भी समझाए हमारे दर्शक को कि अफोर्डेबल हाउसिंग कहां गई। ये तो सारी प्रीमियम लक्जरी की, आप कोई अखबार उठा लीजिए, कोई चैनल देख लीजिए, केवल 4 करोड़ के घर बिक रहे हैं, 40 लाख का तो मेंशन ही नहीं है सर। देखिए, ऐसा है कि उस इश्तेहार नहीं आते होंगे, लेकिन हमारा जो एवरेज टिकट साइज है जो हमारे होम लोन का, वो 30 लाख का एवरेज टिकट साइज है, जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग का हमारा पास। अब आप उसको भी महंगा कर देंगे। अब जो है उसमें भी जो है, नहीं किया व्यक्तिगत तौर से, नहीं कह रहा हूं मैं, नहीं, उसने उसमें जो है जो महंगा होगा वो कितना होगा, वो थोड़ा देखने का उसमें कुछ प्रोपोर्शन देखने की बात है। अगर 6.70 पर अगर वो 7% हो जाता है और सैलरी इंक्रीज हो रहा है तकरीबन 9-10% पर, तो EMI NMI रेशियो जो है वो कस्टमर की फेवर में रहता है। और दूसरा, महंगाई के दौर में अगर आप कोई भी असेट परचेस करते हैं और एक लोन उठाकर परचेस करते हैं, तो असेट की तो कीमत बढ़ने ही वाली है और लोन की आपके इंस्टॉलमेंट वही रहने वाली है, तो ओवरऑल ये ग्राहक के हित में ही है। तो घर ले लें, लोन ले लें, घर लोन लेकर ले लें, इसमें कोई बुराई नहीं।
अब टू व्हीलर भी महंगा हो रहा है और चार पहिया वाली गाड़ी के लिए 6-6 महीने वेट करना पड़ रहा है, लोन लेके भी, ब्याज देके भी, गाड़ी भी नहीं मिल रही है, तो अर्थव्यवस्था में हो क्या रहा है चेयरमैन? देखिए, जहां तक गाड़ी का सवाल है, उसमें जहां पर कि हाई एंड गाड़ी नहीं है लेकिन जो लो एंड गाड़ी है वो तो अवेलेबल है, जिसमें चिप का कंजम्पशन मिनिमम पॉसिबल है, और सभी कार मैन्युफैक्चरर्स की ये कोशिश है कि जिसमें चिप का कंपोनेंट कम से कम है उसको वो मैक्सिमम अभी सेल कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि एक आम आदमी के लिए जिस तरह का के व्हीकल की आवश्यकता है उसमें शायद कोई परेशानी नहीं है, तो उसके चलते तो मेरा ख्याल से कोई बुराई नहीं है। अब इन्फ्लेशन की बात करती हूँ, और ये जो इन्फ्लेशन है, हमारे दर्शक शायद मुझसे ये बहुत बेहतर समझते हैं कि एक तरफ मुद्रास्फीति बढ़ रही है, 8-1% तक पहुंच गई, और कई लोग कहते हैं कि हकीकत में वो बहुत ज्यादा है, बट जो फिक्स डिपॉजिट की रेट है, और भारत में मुझे लगता है अधिकांश फिक्स डिपॉजिट, चेयरमैन साहब आपके पास ही, अगर आपको वो आंकड़ा भी पता हो तो हमारे दर्शक से साझा करें, वो क्यों नहीं बढ़ रही है? इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है, आरबीआई गवर्नर साहब भी कह रहे हैं कि कम इंटरेस्ट से काम नहीं चलेगा। देखिए, ऐसा है कि जहां तक एक ये ट्रेंड है, क्योंकि लोन जो है जब फ्लेक्सिबल रेट पर लिया गया था तो हम लोग एक डिपॉजिट स्कीम भी ऑफर करते थे जो कि फिक्स रेट नहीं था, जो कि फ्लेक्सिबल रेट था, लेकिन ग्राहक उसमें नहीं आए उस टाइम में, सब फिक्स रेट पर ही आए। ये भी गलती ग्राहक की। तो जो है अब, लेकिन अभी जो है, लेकिन जहां तक इंटरेस्ट रेट को रिविजिट करने का सवाल है, वो हम समय से जो है जैसे जैसे आरबीआई में पॉलिसी रेट में रिविजन होता है तो हम अपने एल्को कमिटीज में इस बारे में डिस्कशन करते हैं, और जैसे जैसे लिक्विडिटी की पोजीशन होती है बैंक की, उसको देखते हुए जो है ग्राहकों के डिपॉजिट में भी जहाँ की जरूरत होती है इंक्रीज करने की, और हमने किया भी है। पिछले साल में हमने पिछले 2 क्वार्टर में जो है हमने तकरीबन 1 साल से ऊपर का फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज किया है। बहुत ही एक जनरल सा सवाल पूछूंगा जो आप शायद हंस भी देंगे, ईपीएफओ की रेट है, जो मेरे कोई आपके कस्टमर के पास अच्छा अमाउंट हो, कम से कम ईपीएफ के बेंचमार्क पे आप एफडी रेट क्यों नहीं देंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि हम लोग जब इंटरेस्ट रेट जब डिपॉजिटर को देते हैं तो उसमें हमें 2-3 चीजें हमारे इम्पैक्ट आता है, जो कि एक तो सीआरआर का इम्पैक्ट है, एसएलआर का इम्पैक्ट है, जो कि प्रीएम्पशन है। जब वो प्रीएम्पशन हो जाता है उतना पैसा, तो उसका कैरी जो है वो हमें उसमें कॉस्ट में इंक्लूड करना पड़ता है। तो इस कारण से जो है हमारी जो हम लोग ईपीएफओ के बराबर इंटरेस्ट रेट नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी और दूसरा क्या है कि ईपीएफओ में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स जिन इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट होता है वो 100% उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट होता है, लेकिन हमें क्योंकि बैंक्स को सीआरआर भी मेंटेन करना है, एसएलआर भी मेंटेन कर रहा है, तो उसमें तकरीबन 30% जो हमारा डिपॉजिट है उसी में चला जाता है। तो इस कारण से जो चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि जो रिजर्व बैंक है, जो बैंकों का बैंक है, उसके भी कई ऐसे नियम हैं, वो पैसा खींच लेते हैं बैंक से ताकि ज्यादा पैसा ना घूमे इकोनॉमी में, उसका हिट पड़ता नहीं, है? नहीं, उसका कारण ये है कि वो एक एक फाइनेंशियल सेक्टर की स्टेबिलिटी के कारण जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सीआरआर और एसएलआर का एक कॉन्सेप्ट रखा हुआ है, और वो एसेंशियली फाइनेंशियल सेक्टर में स्टेबिलिटी। और हमें इस बात की प्राइड होनी चाहिए कि आरबीआई और हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है एसबीआई, दुनिया की टक्कर में कहीं भी खड़ा हो सकता है, और ये दिनेश जी भली भांति जाते हैं। दिनेश जी, समय कम है, एक और जो बड़ा मुद्दा आपसे मैं उठाना चाहता हूँ, आज आप हमारे साथ बने हुए हैं यहाँ दावोस से। देखिए, बहुत बारी ये बातचीत होती है कि बैंकिंग में बदलाव आ रहा है, डिजिटल बैंकिंग आ रही है, फिनटेक हो रही है, आज घरों में भी माता पिता भी अब यही कर रहे हैं, भीम ऐप बहुत बढ़िया से चलती है, पर एक डर बना हुआ है कि सरकार की जो नीतियाँ हैं विनिवेश की हैं, इसमें बैंक के ब्रांच भी बंद हो जाएंगे, आप सबको मजबूर कर देंगे डिजिटल बैंकिंग के लिए। अब जो थोड़ा बहुत कम साक्षरता वाला है, फोन पे डरता है, सिक्योरिटी नहीं पता है, उसको भी आप फोर्स कर देंगे, पासबुक और बैंक का मैनेजर, उसके साथ जो चाय पी के बातचीत होती थी वो आप छीन लेंगे, ऐसा सही है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि बैंक एक कमर्शियल संस्था है, और कमर्शियल संस्था के होने के नाते कस्टमर को जो चाहिए उसको मद्देनजर रखते हुए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिसाइड किए जाते हैं। तो फिजिकल और डिजिटल दोनों ही चलने वाले हैं। फिजिटल मेरा मानना है कि एक रियलिटी है कमर्शियल बैंकिंग इन इंडिया के लिए, और हम लोगों के यहाँ पर जहाँ पर कि हमारे तकरीबन 5 करोड़ कस्टमर हमारे
योनो के यूजर्स हैं, लेकिन फिर भी हमारी 22,000 से ऊपर ब्रांचेस हैं और 63,000 प्लस हमारे बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं। जो ब्रांच घटेगी नहीं, ब्रांच नहीं घटेंगी, ब्रांच जहां जरूरत है वहां बिल्कुल ब्रांच दी जाती है। बिल्कुल, आपने ये आप अपनी बात पूरी करें जो फ्यूचर ऑफ बैंकिंग की जो आप कहना चाह रहे हैं। जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरे भारतवर्ष में जिस तरह के ग्राहक की आवश्यकता होगी उस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अवेलेबल रहेगा, चाहे फिजिकल हो डिजिटल हो। इसीलिए मैंने हमारे लिए हमारा ये मानना है कि फिजिटल इज गोइंग टू बी ए रियलिटी फॉर द इंडियन बैंकिंग फॉर मेनी मेनी ईयर्स टू कम। मेरा आखिरी सवाल SBI चेयरमैन से, ये कहा जाता है खरा साहब कि जो पैसा देने वाला होता है उसको पूरी नबज पता होती है। आप पैसा देते हैं, कंपनी को भी देते हैं और रिटेल वाले बोरोवर को भी देते हैं, और आपको पूरी नबज पता है कि क्या हो रहा है असली में इकोनॉमी में। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो काफी मुझे लगता है तूफानों से गुजरी है पिछले दिनों में, और फिर चाइना ने भी उसमें तूफान लाया, अब रशिया यूक्रेन ला रहा है, तो अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है? जो नौकरी पे प्रेशर आया, जो सैलरीज घटी, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जहां इतनी नौकरियां थी दिनेश जी वो कम हो गई क्योंकि कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ गए, टैक्स लग गए, सारा कुछ डिजिटल हो गया, टैक्स मैन पीछे पड़ गया। अब ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगले एक दो साल में क्या हो? देखिये, अभी हमने देखा कि इकोनॉमी में जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो 72% से आगे बढ़ गया है, जो कि प्री कोविड में 69% था। तो ये बड़ा क्लियर द्योतक है इस बात का कि जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होगा उस तरह से खुशहाली और इम्प्रूव होगी ही होगी, ये मेरा मानना है। उम्मीद करता हूं कि भारतवर्ष में अच्छा मानसून रहेगा, अच्छा मानसून आने से रूरल इकोनॉमी को भी पूरी सपोर्ट मिलेगी और महंगाई की दर घट सकती है। महंगाई की दर जो है, महंगाई की दर अगर CPI जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है उसके चलते अगर जो है फूड प्राइसेस का दाम कम आएगा तो महंगाई की दर भी कम हो सकती है। जी बिल्कुल, और यही एक बहुत बड़ा मुद्दा जो आज भारत के आम नागरिक आम जनता के लिए बना हुआ है, कल भी था अभी भी है और शायद हाल फिलहाल कुछ दिनों तक चलता रहेगा, वो है महंगाई और कैसे जो अर्थव्यवस्था में से जिन लोगों को झटका लगा, जिन्होंने सफर किया, वो कैसे उसमें से बाहर निकल पाएंगे। हमारे साथ दिनेश कुमार खारा जी थे, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद खारा जी, नमस्कार। और अगर आपको ये पेशकश हमारी अच्छी लगी तो जरूर फीडबैक दीजिएगा, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।